हेलो स्टूडेंट्स, इंडियन सोनू अल्टीमेट क्लासेस में आपका स्वागत है। हम हैं सोनू सिंह और आज से एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है करंट अफेयर। जिसका नाम है क्या है? करंट अफेयर। करंट अफेयर नाम का शब्द आपने सुना ही होगा। ये जो भूत है ये परसता है कहाँ? पेपर में। आप जानते होंगे इस तरह के भूत का डर निकालने के लिए हम आपके लाए हैं एक मंथ का करंट अफेयर। पिछले मंथ का हम करंट अफेयर आपको पढ़ाएंगे। हर मंथ का हम करंट अफेयर आपके साथ डेली का जो मंथली वाइज आता है उसका डेली डेली 2 से 3 दिन लगाएंगे इसको कवर अप करने। आप वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा। 2 से 3 बार देखने के बाद आपके सारे क्वेश्चन वहीं से बन जाएंगे। क्योंकि मेरा मानना है, मैंने देखा भी है, अधिकांश जो क्वेश्चन है 15 से 20 क्वेश्चन वे यहीं से रहते हैं। मैंने चेक किया था, क्वेश्चन बच्चों को दिखाया भी था कि देखिए क्वेश्चन यहाँ से आता है। अगर आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं, हम आपको बताएंगे नोट्स में लिखना क्या है और क्या छोड़ना है। आप चाहे तो वीडियो को 2 से 3 बार का सहारा ले सकते हैं देखने के लिए। लेकिन आपके साथ घटनाओं का हम विश्लेषण करेंगे, ये थे कहाँ, कौन थे और कहाँ गए थे, क्या काम इनका। समझ गए आप हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? हमने कहा उत्तराखंड के सभी क्वेश्चन, सभी तो नहीं कह सकते, अधिकांश क्वेश्चन करंट अफेयर ओरिएंटेड होते हैं। क्या होता है करंट अफेयर जानने की कोशिश करेंगे। करंट अफेयर के बैकग्राउंड से क्वेश्चन बना रहा है, जो घटनाएं चर्चाओं में आ जाती है उसकी पृष्ठभूमि से वो क्वेश्चन तैयार कर रहा है, ऐसा देखा गया है। बच्चे पेपर देने के पश्चात ये नहीं देखते कि इसका सोर्स क्या था, क्या स्रोत था, कहाँ से आया था क्वेश्चन, ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे करंट अफेयर के जरिए। दिसंबर महीने की जितनी भी घटनाएं घटित हुई है उत्तराखंड के अंदर, वे सारी घटनाएं हम आपको बताने वाले हैं और जहाँ से सवाल बन सकते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड, आपका माइंड ओपन रहे। कौन से एग्जाम के लिए? तो सभी एग्जाम के लिए, उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के सभी एग्जाम के लिए हम इन घटनाओं का विश्लेषण करने वाले हैं। चलिए ये देखिए, मंथली मंथली मैगजीन है, मैं इसे बार बार कवरअप करने की कोशिश करूँ। उत्तराखंड की है, समसामयिक की मतलब करंट अफेयर, ठीक है, ये करंट अफेयर है। उसके बाद देखिए हम इसमें क्या क्या पढ़ाने वाले हैं आपको। हम उत्तराखंड का एक जो है पीसीएस का एक मॉक पेपर भी आपको लगवाने वाले हैं। मॉक टेस्ट, चूंकि आप जानते हैं, ठीक है, जनरल विपिन सिंह रावत का जो है निधन हुआ था उसके बारे में भी इसमें एक आर्टिकल आपको पढ़ाएंगे, पूरा उनका जीवनी बता देंगे आपको, ठीक है। जो जो भी इसमें आने वाला है सब आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक, चलते हैं धीरे धीरे विषय वस्तु की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले नंबर देखिए हम क्या पढ़ेंगे इसमें, ये पढ़ेंगे उत्तराखंड समसामयिक की, यही पढ़ाने वाला हूँ मैं आज आपको। उसके बाद यूनिक प्रश्नोत्तरी पढ़ेंगे, कुछ खास पर्सन हैं जो यहाँ से ही पर्सन पेपर में पूछे जाते हैं, ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो अपने अपने जो कॉपी है आपकी, आपका जो नोट्स है उत्तराखंड का, उसमें नोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए नीचे जाइए, ये है आपका भीम गोडा कुंड, ठीक, इसके बारे में पढ़ेंगे भी, इसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तराखंड डीप स्टडीज़, उत्तराखंड का मानचित्र, ठीक है, उसका अध्ययन करेंगे, विश्व के मरुस्थल देख लेंगे, क्योंकि चर्चाओं में हैं वहीं से पर सवाल पूछेगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर स्टडी कॉर्नर पीसीएस मॉक पेपर पे बम्पर प्रश्नोत्तरी देखेंगे इसके। ये हम आप मेरे साथ करने वाले, यहाँ से उत्तराखंड के अधिकांश पर्सन आते हैं, ये मेरा आपसे वादा रहा, यहाँ से पर्सन बाहर से नहीं जाता। समझ गए आप, इसको तो आपको मेरे साथ करना ही चाहिए, चाहे आपने उत्तराखंड पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, हम आपको एक एक घटना होगा। ये देखिए इधर साइड में एक घटना दिखाई दे रही है मुझको, ठीक है, इसका विश्लेषण करते हैं। चलिए ये है आपका भीमगोंडा कुंड। कौन सा? भीमगोंडा कुंड। सबसे पहले आपसे यही पूछेगा भीमगोंडा कुंड कहाँ है, तो उसका उत्तर है ये है आपका हरिद्वार में। कहाँ है आपका ये? तो भीमगोंडा कुंड है आपका हरिद्वार में, ये हरिद्वार में स्थित है। समझ गए आप, मैंने कहा पहला प्रश्न यही पूछेगा कि उत्तराखंड में भीमगोंडा कुंड कहाँ है, तो ये कहाँ है आपका? हरिद्वार में, ठीक है। जो नारद पुराण है, कौन सा पुराण? नारद पुराण। नारद पुराण के उत्तर के भाग में, कौन से भाग में? उत्तर भाग में जो भीमगोंडा का वर्णन है। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो भीमगोंडा है इसका वर्णन कौन से पुराण में मिलता है? स्कंद पुराण, महाभारत, उपनिषद, इस तरह वेद में लिख देगा और लिख देगा नारद पुराण, तो इसका वर्णन मिलता है नारद पुराण में। इसमें कहा गया है कि पांडवों के साथ स्वर्ग की ओर जाते हुए द्रौपदी, यानी पांडवों की पत्नी को प्यास लगी। किसकी पत्नी को प्यास लगी? पांडवों की पत्नी, ठीक है। मैंने कहा पांडवों की पत्नी को प्यास लगी, नाम क्या था उसका? द्रौपदी, ठीक है। इसको पढ़ते हैं, आज की स्टोरी समझते हैं। प्यास लगी और वह प्यास के कारण व्याकुल होने लगी। प्यास के कारण क्या होने लगी? व्याकुल। जब किसी व्यक्ति को प्यास लगती है तो व्याकुल ही तो होगा। इससे व्यथित होकर महाबली भीम ने अपने पैर गोड़ से धरती पर प्रहार किया।
किस पर प्रहार किया? महाबली भीम, क्या नाम था? भीम ने किस पर प्रहार किया? धरती पर प्रहार किया। भीम गोड़ा की जो है स्टोरी क्या है वो आपको पढ़ के सुना रहे हैं, आपके बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद पांडव की पत्नी को क्या लगी थी? प्यास लगी थी। पांडवों के साथ स्वर्ग की ओर जाते द्रौपदी, द्रौपदी कौन थी? पांडव की पत्नी थी। उसको क्या लगी थी? प्यास लगी थी। और जैसे ही प्यास लगी, प्यास के कारण वो व्याकुल हो जाती है। जैसे ही व्याकुल हो जाती है तो व्यथित होकर महाबली के भीम, महाबली, महाबली कौन थे? भीम, अपने पैर पैर से गोड़, पैर यानी गोड़ से धरती पर प्रहार किया। और इस पर क्या है? इस पर कुंड का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? कुंड का। कुंड के जल से द्रौपदी सहित सभी पांडवों ने अपनी प्यास बुझाई। देखिए जैसे जल का निर्माण हुआ, यानी जो भीम गोड है इसकी क्या स्टोरी है, समझ गए आप? मुझे नहीं लगता आप इसको भूलेंगे। उसके बाद मान्यताओं के अनुसार यह भी माना जाता है कि जो व्यक्ति इस कुंड में स्नान करते हैं, कौन सा? भीम गोड, वे लोक में सुखों को भोग कर मृत्यु के पश्चात स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं। तो अब जाइए भीम गोड में, ठीक है। वर्तमान में जागरूकता के अभाव के कारण कुंड में गंदगी निरंतर फैल रही है, जिस कारण कुंड का अस्तित्व समाप्त होने की स्थिति में है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से इसीलिए चर्चाओं में आया है। इसे फैल रही है गंदगी, ये कहाँ है आपका? भीम गोडा कुंड नाम है। कहानी आपको पता लग गई। हमने कहा जो पांडव थे, पांडव के स्वर्ग की ओर जाते हुए यहाँ द्रौपदी को प्यास लगी थी। उसके बाद ये जो भीम थे उन्होंने गोडा मारा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद गोड यानी अपने पैर मारा, पैर मारने से धरती के अंदर एक क्या हुआ, एक ताल बन गया जिसका नाम है भीमगोड़ कुंड। क्या नाम है? भीमगोड़ कुंड। समझे? जितने पांडव थे सबने अपनी क्या बुझाई? प्यास बुझाई, ठीक। उसके बाद अभी अभी चर्चाओं में क्यों है? क्योंकि इसमें लगातार निरंतर क्या फैल रही है? गंदगी फैल रही है, इसलिए चर्चाओं में है। उसके बाद इधर देखिए, इधर भी आपको कुछ बताने वाले हैं। ये देखिए फरवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस, आपको पता होना चाहिए 2 फरवरी को, जो दो है 2 फरवरी विश्व गीली भूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि भी कह सकते हैं, वेटलैंड दिवस जिसको बोलते हैं। हमारे यहाँ कितनी रामसर साइट है ये आप बताएंगे हमको, ठीक है। 4 फरवरी को आपको मनाया जाएगा विश्व कैंसर दिवस, मनाया जाएगा 4 फरवरी को। कौन सा दिवस? विश्व कैंसर दिवस। डार्विन दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका डार्विन दिवस 12 फरवरी को। राष्ट्रीय महिला दिवस जो है सरोजिनी नायडू जयंती, विश्व रेडियो दिवस, ये सब 13 फरवरी को मनाए जाते हैं। 3 दिवस एक साथ, राष्ट्रीय महिला दिवस, सरोजिनी नायडू, विश्व पर्सन पूछ सकता है दिवस जरूर पूछता है, एक 2 दिवस। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। विश्व स्कॉट दिवस कब मनाया जाता है? 22 फरवरी को, ठीक है। चलते रहिए, चलते रहिए, चलते। उसके बाद ये एक्साइज, एक्साइज दिवस कब? 24 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को। उसके बाद हम आगे चलते हैं, अपने करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा ओरिजिनल करंट अफेयर है, ठीक है। यहाँ से हम घटनाओं को स्टार्ट करना पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये कौन है आपके? पुष्कर सिंह धामी जी है। कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है वर्तमान समय में। इन्होंने क्या है, अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा के हवालबाग में 2 दिवसीय आजीविका महोत्सव का शुभारंभ किया है। ये 2 दिन के लिए रोजगार देने के लिए लोगों को शुभारंभ कर रहे हैं आजीविका महोत्सव। क्या नाम है? आजीविका महोत्सव का क्या किया है? शुभारंभ कहाँ किया है? हवालबाग में। हवालबाग ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका अल्मोड़ा में। कौन है? पुष्कर धामी जी हैं। कहाँ जाते हैं? अल्मोड़ा में जाते हैं। अल्मोड़ा के कहाँ जाते हैं? हवालबाग में जाते हैं। कितने दिन का कार्यक्रम चलाते हैं? 2 दिन का कार्यक्रम। अब इस कार्यक्रम के दौरान होगा क्या, आइए ये भी देखते हैं, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, यही मैं जिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से पक्का प्रश्न पूछे जाते हैं। जो पुष्कर सिंह धामी जी हैं, ये अल्मोड़ा के जो है हवालबाग में स्थित ग्रामीण व्यापार इंक्यूबेटर सेंटर का उद्घाटन किया। एक सेंटर है ग्रामीण, नाम नोट कर लीजिए, ग्रामीण व्यापार इंक्यूबेटर सेंटर, इसका क्या किया? उद्घाटन। इस सेंटर का पता है क्या ऑब्जेक्टिव है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उद्देश्य है इसका, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को प्रोत्साहित कर उद्यम स्थापना हेतु प्रारंभ में अंत तक उद्यमों का सहयोग प्रदान करना, उद्यमियों का सहयोग प्रदान करना, यानी गांव ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा। यार अपना रोजगार तुम क्यों दूसरों को, तुम क्यों जॉब की तलाश कर रहे हैं? जो जॉब ना तुम दूसरों को जॉब दो, इस तरह का प्रावधान किया गया। नाम क्या है? ग्रामीण व्यापार इंक्यूबेटर सेंटर, ठीक है। उद्यम संस्थान हेतु प्रारंभ किया गया, ठीक है। इसके लिए, इसके साथ साथ युवाओं को रोजगार सृजन व्यावसायिक सहयोग एवं नए विचार को तकनीक को बढ़ावा देने के साथ इसका इसका उद्देश्य है। यानी जो ये आपका 2 दिवसीय जो कार्यक्रम चला गया था, ये आपके पुष्कर सिंह धामी थे, ये अल्मोड़ा में चला गया था, अल्मोड़ा के हवालबाग में, ठीक है। और ये 2 दिन का कार्यक्रम था, ठीक है। इन्होंने पता है क्या, कौन से महीने में? दिसंबर के महीने।
तो इन्होंने कहा कि हम ना एक ग्रामीण व्यापार इंक्यूबेटर इंक्यूबेटर सेंटर का उद्घाटन करेंगे, मतलब ऐसा सेंटर होगा। ये बताया क्या करेगा, जो गांव के लोग होंगे उनको सिखाएगा कि हम गांव में ही रोजगार कैसे पैदा कर सकते हैं, और आपको आप क्यों दूसरों से रोजगार मांगते हैं, आप तो दूसरों को रोजगार दे सकते हैं। इस तरह का जो है आपका एक ग्रामीण व्यापार इंक्यूबेटर सेंटर का उद्घाटन किया, किसने, पुष्कर सिंह दामी जी ने। ठीक, आगे चलिए, समझ गए आप। नेक्स्ट 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 अगली न्यूज देखिए नीचे। ये जो जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है ना, ये बहुत बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ थे। नाम पता है क्या है इनका, नाम है इनका इनका हरबंस कपूर। क्या नाम है, हरबंस कपूर। 13 दिसंबर को पता है क्या हुआ, ये डिलीट हो गए, डिलीट नहीं, निधन हो गया इनका, ऐसा कहना सही नहीं होगा। हरबंस कपूर जो है, जन्म इनका हुआ था 7 जनवरी 1946 को। आपको डेट महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, की जानकारी याद रखनी है आपको, पता होना चाहिए। विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे, नाम है हरबंस कपूर। क्या नाम है, हरबंस कपूर, नाम नोट कर लीजिए। हाल ही में ऐसा प्रश्न बनाएगा, हाल ही में कौन से विधानसभा अध्यक्ष का निधन हुआ है, उनका नाम निम्नलिखित में से है। नंबर एक, एक नाम जरूर होगा, हरबंस कपूर, याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये वरिष्ठ राजनीतिक भाजपा के नेता थे, भाजपा के नेता थे, बीजेपी के। 2007 से लेकर 2012 तक वह विधानसभा के क्या रहे, दूसरे अध्यक्ष रहे। कौन से अध्यक्ष, दूसरे अध्यक्ष, ठीक है। उसके बाद पहले अध्यक्ष का नाम आपको पता होगा, हमने पॉलिटी में भी आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी ने क्या है, डॉक्टर संतोष कुमार द्वारा लिखित, डॉक्टर संतोष कुमार द्वारा लिखित पुस्तक कोरोना से बचाओ, आपसे ये प्रश्न पूछेगा, कोरोना से बचाओ पुस्तक के लेखक कौन है, नाम है डॉक्टर संतोष सिंह, ठीक। एक सजग पहल का विमोचन किया है इनकी पुस्तक को, डॉक्टर संतोष कुमार द्वारा लिखित पुस्तक कोरोना से बचाव का जो लॉन्च किया है, किसने किए, पुष्कर सिंह धामी जी ने किए है। समझ गए आप, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रश्नों की चर्चा हम साथ साथ करने वाले हैं, ठीक। आगे चलिए, आगे चलिए और बताते हैं आपको। एक एक घटनाओं का क्या करने वाले हैं हम, पोस्टमार्टम। अगली देखिए, आपका ये हेडिंग बना लीजिए, राष्ट्रीय सरस मेला। राष्ट्रीय सरस मेला जो है, राष्ट्रीय सरस मेला, ये उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी जी, इन्होंने रुद्रपुर है, कौन सा, रुद्रपुर, ये 2 दिसंबर 2021 को आयोजित किया। इस मेले का जो उद्देश्य है, स्वयं सहायता समूह के उत्पादकों को बाजार उपलब्ध कराना है। सरस मेले में करीब 150 स्वयं सहायता समूह ने भाग लिया। कितना महत्वपूर्ण है ये, तो प्रश्न जरूर पूछेगा, राष्ट्रीय सरस मेला है, ये कहाँ लगाया गया, ये रुद्रपुर में लगाया गया। आप मुझे बताइए, मैंने भूगोल में उसमें पढ़ाया कि नहीं, डिस्ट्रिक्ट में, कि रुद्रपुर कहाँ है, इसीलिए तो कहता हूँ, आप मेरे वीडियो देखे जाकर समझ गए। रुद्रपुर जो है, रुद्रपुर में मेले का आयोजन किया गया, नाम है राष्ट्रीय सरस मेला 2021, ठीक है। इसमें जो स्वयं सहायता समूह है, उन्होंने एक स्वयं सहायता समूह, समझते हैं, SHG बोलते हैं इनको, SHG, नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह समझते हैं किसको बोलते हैं, मतलब बहुत सारे लोग ना एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे होने के साथ ना ये उसके बाद एक स्टार्टअप जोड़ लेते हैं, उनको बोलते हैं स्वयं सहायता समूह, समझ गए आप, ठीक। उनको बोलते हैं स्वयं सहायता समूह, ठीक, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इंग्लिश में नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, समझ गए। आगे चलिए, आपका ये पर्सन बन सकता है यहाँ से इंपॉर्टेंट पर्सन। अब देखिए, जो उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड में भी दूध की नदी बहने लगी, ठीक है। उत्तराखंड नहीं नहीं हम समझा रहे हैं, उत्तराखंड में क्या है, उत्तराखंड में दुग्ध प्रोत्साहन राशि में वृद्धि। उत्तराखंड के दुग्ध प्रोत्साहन राशि में क्या हुई, वृद्धि हुई। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी जी ने, इन्होंने 8 दिसंबर को राज्य के मैदानी क्षेत्रों में दूध की समितियों के सचिव हेतु 50 पैसे प्रति लीटर दुग्ध प्रोत्साहन राशि, पर्वतीय क्षेत्रों में दुग्ध समिति के सचिव हेतु 1 रुपये प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि की वृद्धि की। दूध का रेट बढ़ गया, पुष्कर सिंह धामी जी ने घोषणा कर दी, जो दूध समितियां हैं उनके सचिव हेतु 50 रुपये से मैदानी क्षेत्रों में 50 पैसे बढ़ाए गए, और जो है आपके पहाड़ी क्षेत्रों में 1 रुपया बढ़ाया गया, समझ गए। ये 8 दिसंबर की घटना है, अभी तो कह रहे थे आपको। साथ ही जो है दूध के मूल्य 4 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 5 रुपये प्रति लीटर हो गया, 5 रुपये हो गया, ठीक है। कितना, 4 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर कितना हो गया, 5 रुपये प्रति लीटर। आगे चलिए, अब देखिए, ये है आपका नैनीताल। नैनीताल का एक गाँव है, नाम है ताकुला गाँव, पढ़ाया था हमने आपको। में निर्माणधीन एस्ट्रो विलेज उत्तराखंड का पहला स्टार गेजिंग सेंटर के रूप में विकसित किया, विकसित हम ये तो आपसे पक्का पूछेगा सवाल,
नैनीताल के तकुला गांव में निर्माणधीन एस्ट्रो विलेज उत्तराखंड का पहला स्टार गेजिंग सेंटर के रूप में विकसित। आइए जानते हैं क्या है घटना, पूरी घटना को समझते हैं। नैनीताल के ताकुला गांव में निर्माणाधीन एस्ट्रोविजन के लिए सरकार ने क्या है 2.48 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। कहाँ? ताकुला गांव में। कहाँ है ये? आपका नैनीताल में पड़ता है, ठीक है। क्या बनाया? गेजिंग सेंटर बनाया जा रहा है। कितनी राशि के लिए? 2.48 करोड़ की राशि है। इसकी जो मुख्य भवन में एरीज के सहयोग से उच्च क्षमता का टेलीस्कोप लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? टेलीस्कोप लगाने वाले हैं यहाँ पर। गेजिंग सेंटर इसको बोलते हैं जहाँ खगोल विज्ञान में रुचि रखने वाले जिज्ञासु अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं को देख सकेंगे। मैंने कहा खगोल में रुचि रखने वाले जो लोग होंगे वे क्या होंगे, यहाँ से इस टेलीस्कोप के जरिए क्या देख सकेंगे, अंतरिक्ष को देख सकेंगे। ताकुला जो गांव है, कौन सा गांव? ताकुला। कहाँ? नैनीताल में। एस्ट्रो टूरिज्म विलेज की स्थापना के साथ साथ ताकुला में सामुदायिक पर्यटन की भी पहल की शुरुआत की जाएगी। यानी जिस व्यक्तियों को आपका एस्ट्रोनॉमिकल साइंस में इंटरेस्ट है, जो बच्चे खगोल के बारे में भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, जिसको ब्रह्मांड की जानकारी चाहिए, इंटरेस्टेड होते हैं ना, तो सरकार वो लोग यहाँ पर जाएंगे और सरकार क्या है उनसे टैक्स वसूलेगी एक प्रकार का टूरिज्म को, पर्यटन, मैंने कहा ना पर्यटन, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो ही सेंटर बनाया जा रहा है। सेंटर का नाम लिख लीजिए, क्या है सेंटर का नाम? लिख लीजिए स्टार गेजिंग सेंटर के रूप में विकसित किया, स्टार गेजिंग सेंटर ताकुला में। कहाँ? नैनीताल में। क्या है? एस्ट्रो विलेज। एस्ट्रो विलेज निर्माणधीन एस्ट्रो विलेज उत्तराखंड का पहला स्टार गेजिंग सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है नैनीताल को, ताकि पर्यटन को और बढ़ावा दिया जा सके और सरकार का जीडीपी बढ़ाया जा सके। समझ गए आप? उसके बाद चलिए, उसके बाद देखिए उत्तराखंड में जो है में 2 दिवस 9 से 10 दिसंबर शीतकालीन विधानसभा सत्र का आयोजन किया गया। शीतकालीन विधानसभा सत्र, समझ गए आप? कब किया गया? 9 से 10 दिसंबर। अब देखिए इधर ध्यान से सुनिएगा अच्छे तरीके से। यह सत्र जो है चौथी विधानसभा के कार्यकाल का अंतिम सत्र था, ठीक है। शीतकालीन विधानसभा सत्र चौथी विधानसभा के कार्यकाल का अंतिम सत्र था, उसके बाद तो बैठक नहीं चलेगी ना। इसमें क्या किया गया? इस सत्र में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 1353 करोड़ रुपए, 1353 करोड़ 69 लाख 8 हजार रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया। सरकार को पैसे चाहिए होते हैं। इस सत्र में निम्नलिखित विधेयक प्रस्तुत किए गए। विधेयक समझते हैं मतलब कानून, ये कानून नहीं बने अभी, ठीक है, विधेयक है, प्रस्तुत किए गए हैं। नाम है नंबर 1 उत्तराखंड 4 धाम देवस्थल प्रबंधन निरसन विधेयक, उत्तराखंड पंचायती राज द्वितीय विसंशोधन विधेयक, आम्रपाली विश्वविद्यालय विधेयक, उत्तराखंड न्यूजल भूमि प्रबंधन विस्थापन निस्तारण विधेयक, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण उत्तराखंड संशोधन विधेयक, उत्तराखंड लोक सेवा संशोधन विधेयक 2021, उत्तराखंड सिविल विधि संशोधन विधेयक 2021, उत्तराखंड कृषि उत्पाद मंडली विनियमन विधेयक। ये इस तरह सारे विधेयक हैं। आपको अभी आपको विधेयक नहीं पढ़ाने वाले, जब कानून बन जाएंगे जब आपको पढ़ाएंगे हम आपको। इसको देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का पूछेगा। अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य हमने आपको पढ़ाया था, कहाँ है बताइए आप? कहाँ? ये पिथौरागढ़ में पड़ता है मित्र, समझ गए आप? अब क्या क्या मिलते हैं यहाँ पर? यहाँ पर कस्तूरी मृग देखने को मिलते हैं, ठीक है। अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य को केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया है 2021-22 में। इको सेंसिटिव जोन, सेंसिटिव संवेदनशील क्षेत्र बन गया है एक प्रकार का। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है डिक्लायर इको सेंसिटिव जोन, ये देखिए न्यूज़ है आपकी। अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य ने ऐसा इको सेंसिटिव जोन जिसके अंतर्गत एक भी गांव शामिल नहीं है, ये आपका अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य है, ये आपका सेंसिटिव इको सेंसिटिव जोन में चला गया पर्यावरण मंत्रालय ने। भारत सरकार का जो पर्यावरण मंत्रालय है इसने इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया है। क्या होते हैं इसके इको सेंसिटिव जोन जानते हैं आप? यानी पर्यावरण की दृष्टि से ये बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, पर्यावरण की दृष्टि से ये बहुत ही संवेदनशील, सेंसिटिव का मतलब संवेदनशील जोन क्षेत्र है एक प्रकार का है। यानी अब इस पर भारत सरकार जो है क्या करने वाली है, भारत सरकार इस पर मतलब देख रेख और निगरानी करने वाली है। इको सेंसिटिव जोन, इको सेंसिटिव जोन भारत में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभयारण्यों के आसपास अधिसूचित होता है।
ठीक है, जो इको सेंसिटिव जोन है, घोषित करने का उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों के आसपास गतिविधियां को नियमित करना और प्रतिबंधित करके, संरक्षित करके दोहन और मानवीकृत गतिविधियों को प्रतिबंधित करना। वही तो बताया मैंने आपको, मैंने कहा इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का उद्देश्य क्या है। ये उद्देश्य है कि यहाँ पर जो आसपास से आसपास के क्षेत्रों में गतिविधियां विनियमित कर दी जाएगी, मतलब आप यहाँ नहीं जा सकते, ठीक, प्रतिबंध लगाए जाएंगे आपको इस क्षेत्र में। यहाँ पे जानवरों को खतरा है, यहाँ पर यहाँ अनेक प्रकार के जानवर रहा करते हैं, उनका संरक्षण किया जाए, बचाव किया जाएगा, वनों का दोहन करने से बचाया जाएगा, मानवीकृत गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाएगा। मानव वहाँ नहीं जा सकता, अपनी झोपड़िया, अपना गाँव, अपना मकान नहीं बनाना वहाँ पे जाके, वहाँ जानवरों का घर है, नहीं जाना आपको, यहीं पर बैठो। इस क्षेत्र में होने वाली गतिविधियां पर्यावरण अधिनियम 1986 के नियम के अधिनियम के नियम के तहत विनियमित होती है। मैंने कहा जो 1986 का हमारे यहाँ एक तो एक्ट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है, ये है इस अधिनियम के तहत जो गतिविधियां प्रतिबंधित किया गया है, रेगुलेट करते हैं इसको। अब अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य से सवाल पूछ सकता है कि जीव अभयारण्य का इसका क्षेत्रफल कितना है, तो आपसे क्षेत्रफल पूछ सकता है बाबू, नोट कर लीजिए, क्या बता रहे हैं हम आपको, नोट कर लीजिए, यह है आपका 599.93 वर्ग किलोमीटर। स्थापना कब हुई थी इसकी, 1986 में, किसकी, अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य की। कहाँ है, पिथौरागढ़ जनपद में, पहले हम आपको बता दिए थे। एक और देख लीजिए, एक लास्ट न्यूज़ है, उसके बाद हम कल पढ़ेंगे। और मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी जो है ने डॉक्टर राधेश्याम बिजनवाल खाल्टा द्वारा रचित पुस्तक ये वक्त की पुकार है का विमोचन किया है। बहुत ही पुस्तक को लॉन्च करते हैं, कौन, पुष्कर सिंह धामी जी, संतोष जी की पुस्तक, डॉक्टर संतोष कुमार जी की पुस्तक भी लॉन्च कर दी, नाम क्या था, कोरोना से बचाओ। ये पुस्तक पेपर में पूछा थी, ये वक्त की पुकार है, किसने लिखी है ये, ख्वाल्टा, नाम क्या है पूरा, नाम है राधेश्याम, डॉक्टर राधेश्याम बिजनवाल ये ख्वाल्टा द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है, ये वक्त की पुकार है। किसकी पुकार है, वक्त की। इसके बाद हम अगली बार, हम कल आएंगे, विपिन सिंह रावत के बारे में आपको बड़ा मस्त समझाने वाले हैं। आज के एपिसोड में इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, पढ़ते रहिए जय सोनू सर के साथ, जय हिंद जय भारत।